हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज मैं जो डिश बनाने वाली हूँ उसका आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं और लंच भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफर पे जा रहे हैं तो उस तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक जरूर कीजिए। अगर मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये मेथी। मेथी एकदम साफ और एकदम फ्रेश होनी चाहिए। उसको मैंने एकदम से चुन लिया है एक एक पत्तियों को। अब हम सबसे पहले इस मेथी की कर लेते हैं कटिंग। मेथी को धोने से पहले चॉप कीजिए, ये आसानी से कट जाती है। अगर आपने पहले धो लिया तो ये हाथों पे चिपकेगी और अच्छे से आपसे कट भी नहीं होगी। एकदम महीन महीन इसको इस तरीके से हमें पूरी मेथी चॉप कर लेनी है। जितना हो सके उतना इसको महीन कर लीजिए। मेथी हमने चॉप कर लिया है, अब इसको अच्छे से हम चार से पांच बार धो लेते हैं। मेथी धोकर साफ हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, आप इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। आधा टेबल स्पून डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर, आधा टेबल स्पून डाल रहे हैं हम इसमें अजवाइन, एक टेबल डाल रहे हैं इसमें हम सीसम सीड यानी कि सफेद वाले तिल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा कटोरी के करीब हम इसमें डाल रहे हैं दही, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ ऑप्शनल है, मैं ये इतना सा टुकड़ा गुड़ का ग्रेट करके इसमें डाल रही हूं। अगर आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो गुड़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। गुड़ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है। दो बड़े चमचे के करीब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये हो गया इसमें कुकिंग ऑयल, नमक स्वादानुसार, ये मैंने सेंधा नमक का यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए एक कप आटा और आधा कप बेसन। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे अगर हमें जरूरत लगेगी तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, नहीं तो अच्छे से इसी को हम मिक्स करेंगे। लीजिए डो हमारा लग गया है। मुझे इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगी। मैंने इसमें जो ऑयल और दही डाला था उसी से मेरा काम हो गया। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, हम डो देख लेते हैं, एकदम परफेक्ट। अब हम हाथों को थोड़ा सा चिकना करेंगे और इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी हम चिकना करेंगे इस तरीके से, एकदम से अच्छे से मसल मसल कर इसको हम चिकना कर लेंगे। और इसके इस तरीके से पेड़े तोड़ते जाएंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं तोड़ना आता कोई बात नहीं, आप इसके लिए नाइफ भी ले सकते हैं। एक साइज
का आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरीके से सारे पेड़े तोड़ लेंगे। लीजिए, सारे पेड़े बनकर हमारे तैयार हैं। अब इसमें से एक पेड़ा लेंगे और सूखा हुआ आटे का पाउडर लगाएंगे इस तरीके से, और इसको बेल लेंगे। ये लीजिए, साइज छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस साइज के ये पेड़े बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया। मैं आपको एक और बिल्कुल दिखाती हूँ। ये देखिए, आटा डो लगाते समय आटा एकदम टाइट होना चाहिए, क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप टाइट टाइट डो ही लगाएं। ये देखिए, ये बनकर हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए, थेपले हमने सारे बेल लिए हैं। चलिए गैस पर रख लेते हैं पैन। अब हम इसको फ्राई कर लेते, सेक लेते हैं। हमने डाल लिया थेपला, पलट देते हैं। अब हम इस पर लगाते हैं कुकिंग ऑयल। दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेंगे। इसको ज्यादा सेकने में टाइम नहीं लगता है, बड़े आराम से जल्दी जल्दी सिक जाते हैं। लीजिए, लीजिए, बनकर तैयार है हमारे मेथी के ये थेपले। मैंने ये पेस्ट की है लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ। है ना कितनी आसान ये रेसिपी, कितनी आसान भी और हेल्दी भी। कर दिया मैंने आपका सफर में जाने वाला ब्रेकफास्ट तैयार। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।